नमस्कार। चैप्टर फोर, तीन चैप्टर अभी तक हमारे हुए। उसमें हमें जो समझ में आया वो ये है कि बेसिक्स क्या है, और थोड़ी सी अधीरता भी होती है। हम सीधे चलते हैं योगों पे। हमें इसमें इतना ही समझना है, जो एक मिनट का बात है, समझना बहुत जरूरी है। मेरी पर्सनल कुंडली में कौन कौन से योग अवेलेबल है, इसकी आप सबको एक लिस्ट बनानी है इसके बाद के चैप्टर्स में, ताकि आपको इतना पता होगा मेरे इसमें कितने योग हो सकते हैं। कंडीशन अप्लाई, ताकि हो सकते हैं इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है। फिर वो योग कितने बड़े हैं और कितने धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे, वो आगे के अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रहों के ऊपर से समझा जाएगा। तो इसलिए फिर हमको फ्यूचर में वो लिस्ट बना के अपने नियरेस्ट अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा देनी है, इसमें से कौन से ग्रह मेरे प्रबल है, कब आने वाले हैं, अपनी कब आने वाले हैं और कब ज्यादा अच्छे फल देंगे, ये सब आपको समझ में आएगा। तो अभी हमारा काम सिर्फ इतना है साइंटिफिकली, और जो हमारा द वे ऑफ साइंस है समझने का, एस्ट्रोलॉजी साइंस बृहस्पति शास्त्र के हिसाब से मेरे कुंडली में कौन से बड़े बड़े योग है, उसकी श्रृंखला में आज का जो सबसे आसान तरीका है समझने का और सबसे आसान योग है समझने के लिए, पंच महापुरुष, ये राजयोग होता है, बड़ा योग माना जाता है। पंच महापुरुष, इनमें पांच ग्रह से आने वाले ये योग है। एक सिंपल एक ग्रह भी एक योग आपको दे देता है। तो पांचों जो योग है उनके नाम क्रमशः ये है, पंच महापुरुष के पांच योग है। उसमें से पहला आता है रुचक योग, दूसरा आता है भद्र योग, तीसरा शश योग, चौथा मालव्य योग, पांचवा हंस योग। आपने देखा होगा इस चार्ट में रुचक योग आता है मंगल से, भद्र योग आता है बुध से, शश योग शनि से मिलता है, मालव्य योग शुक्र से मिलता है, हंस योग गुरु से मिलता है। टर्म्स एंड कंडीशन अपने कुंडली में समझने के लिए ये है। आपकी कुंडली रखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है, यहाँ पे एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, ऐसे 12 आया तक है। फॉर एग्जाम्पल किसी की अगर फॉर एग्जाम्पल तुला लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ पे 7 लिखा होगा, 7, 7 का मतलब 7। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे वो चलेगा। तो हमको हमारा लग्न कुंडली देखना है जहाँ पे ल लिखा है और आपकी पहली राशि देखनी है। अब आपको कुछ नहीं देखना है, वेरी सिंपल, शायद ये आंकड़े आपको क्लियर होंगे, पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए। और ये भी एक बार आप नोट डाउन कर ही लिया होगा आपने, जैसे मैंने पहले कहा था ये बेसिक्स है, हमेशा ऐसे कैसे रहेंगे। तो कंडीशन एकदम समझ लेते हैं, जैसे कि ये कुंडली है, एक नंबर लिखा हुआ है। अगर हम रुचक योग की बात करें, मंगल से बनता है, 1, 2, 3 और ये 4, ये जो सेंटर के घर है इन्हें कहा जाता है केंद्र, योगों की और कुंडली की भाषा में। इन 4 जो सेंटर के घर है, भी हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 1, 4, 7, 10 ये केंद्र के घर है। और वैसे इनको विष्णु के घर भी समझ सकते हैं। और ये 1, 5 और ये 9 ये त्रिकोण के घर है, इसे लक्ष्मी के घर समझे जाते हैं। तो एक ये कॉमन घर है, ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, बिल्कुल ये नोट करके रखना, केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, ये त्रिकोण, ये त्रिकोण, क्लियर। तो अभी हम जब पांचों योग की बात करें तो सिर्फ इन 4 घरों के बारे में कंसिडरेशन रखनी है, बाकी सब घरों को भूल जाना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मंगल लिखा होता तो हमारे हिसाब से एक राशि मेष, मेष का स्वामी मंगल, अगर राशि स्वामी बैठा हुआ है, मतलब मंगल बैठा हुआ है उसकी राशि में, तो ये आपका रुचक योग हो गया। अगर ये कुंडली अगर वृश्चिक लग्न की होती थी, 8 नंबर यहाँ पे लिखा होता और यहाँ पे मंगल लिखा होता, मार्स लिखा होता, तो ये भी रुचक योग बनता था। एक एग्जाम्पल अपने जो
प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके इसमें भी रोचक योग है। वृश्चिक लग्न 8 नंबर यहाँ पे है और मंगल है यहाँ पे, वृश्चिक लग्न का स्वामी मंगल, तो उनके इसमें भी रोचक योग है। इसी तरह से ये चारों योग है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वीनस होता था, वीनस बैठ जाए तो हम देखेंगे कि 7 नंबर तुला राशि स्वामी शुक्र, शुक्र बैठा हुआ है सेंटर में है, मालव योग भी बनता है। इसी तरह से सभी योग बनते हैं। कंडीशन क्या होती है, स्वराशि ग्रह स्वराशि में हो, केंद्र में हो, या फिर उसके उच्च राशि में हो। उच्च राशि का जो एक चार्ट है वो जो मैंने आपको बताया था एक छोटे में लिखा हुआ है, देखिए हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है और एक नीच राशि होती है। अभी हमको इस जगह पे सिर्फ उच्च राशि की बात करनी है। तो जैसे सूर्य की उच्च राशि मेष है, चंद्र की वृषभ है, मंगल की मकर है, बुध की कन्या है, गुरु की कर्क है, शुक्र की मीन है, शनि की तुला है, राहु की मिथुन है, केतु की धनु है, ये सब उच्च राशि है। और हम पांचों ग्रह की बात कर रहे हैं, वो पांच ग्रह है मंगल बुध शनि शुक्र गुरु, तो उनकी ही बात हम लोग लेके चलेंगे और उसके हिसाब से उनकी उच्च राशियां है। सिंधु और कुंभ में जनरली सभी चीजें न्यूट्रल होती है। आपके कुंडली में अगर ये योग अवेलेबल है नोटेड डाउन कीजिए। इस वीडियो के अंत में मैं उसका डिस्क्रिप्शन, इस योग का क्या फायदा है क्या नुकसान है वो सब हम डाल देंगे, तो आपका काम इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप आपका ये वीडियो स्टॉप कर सकते हैं। जिनको ये टॉपिक समझ में आ गया है इजीली स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं जस्ट एक्सरसाइज लूंगा ताकि मतलब जो दर्शक है जिन्हें नहीं टॉपिक समझ में आए उनके लिए कंटिन्यू होगा। और जिसको ये समझ में आ गया है तो इसके पहले से रिपीट कर लीजिए, शायद 2-3 मिनट का वीडियो होगा, दैट्स ऑल। तो और अंत में आप चले जाइएगा फाइनली, तो मैं कुछ टॉपिक निकाल के रख दूंगा कि इसका क्या फायदा है। और यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट कि मेरे इसमें मालव योग है तो मालव योग है तो मालव योग के क्या फायदे है, तो गूगल विल टेल यू एवरीथिंग। सो जो नहीं है उसके बारे में पढ़ने में अपना टाइम मत गवाइए, जो है उसी को पढ़ लीजिएगा। सो इसके बारे में जस्ट प्रैक्टिस सेशन तो काफी अच्छा होगा, है ना। तो हम चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कुंडली किसी और लगन की होती है तो ये सब आंकड़े बदल जाते हैं। अभी इस कुंडली की अगर हम बात करें तो 1 नंबर 4 नंबर 7 नंबर 10 नंबर, यानी कि इस कुंडली में ज्यादा से ज्यादा 3 योग हो सकते हैं, क्योंकि ग्रह तो एक ही बार आएगा, ग्रह तो रिपीट नहीं हो सकता। तो इसके हिसाब से 10 नंबर पे अगर मान के चलिए सैटर्न भी आ जाते हैं तो यहाँ पे 3 योग पंच महापुरुष योग होंगे, ये 3 राजयोग उनको मिल सकते हैं। ऐसे हर कुंडली का डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। इसमें हम लोगों ने एक बात नोट की थी, कंडीशन अप्लाई यानी कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब उस ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है और उसके साथ साथ वो अपना योग जो बड़ा होता है धीरे धीरे छोटा होता चल जाता है। और कुंडलियों की एक खास बात है, निसर्ग की कह सकते हैं, भगवान की एक बात कह सकते हैं कि हर किसी कुंडली में बहुत सारे योग वो देते ही है। हो सकता है किसी की इसमें कम हो, किसी की इसमें ज्यादा हो, वह उसकी जन्म का समय जगह तारीख के हिसाब से डिसाइड होता है। पर जैसे कि मैंने चैप्टर 1 बताया था, चैप्टर 1 को आप एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। फिलोसॉफिकल पार्ट में मैंने आपको यही बताया था कि छोटा भी अगर आपके इसमें राजयोग है तो आपका कर्म उसे बहुत बड़ा बना देता है, पर अगर आपका राजयोग काफी बड़ा भी है तो आपका कर्म अगर कुछ कम रहा तो वो छोटा होता है। कई विश्लेषक मानते हैं कि मोदी साहब की कुंडली का जो रोचक योग है उतना बहुत पावरफुल नहीं है, उनका कर्म योग इतना बड़ा है, 15-16 घंटे काम करते हैं, तो आप देख सकते हैं रिजल्ट क्या है। तो यही बताना था। पंच महापुरुष के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन में दे देता हूं कि 5 ग्रह ऐसे हैं जो हमें सिंपली इतने पावरफुल होते हैं कि ये अपने अपने अच्छी जगह पर बैठने के बाद और केंद्र में बैठने के बाद ये अपना फल अच्छा देते हैं आपको। और
मंगल ग्रह अग्नि का तत्व है, फायरी नेचर है, बुध पृथ्वी का नेचर है, ना भू लिखा हुआ है वहां पे मैंने, शनि जो है वायु का नेचर है, मालव जो मालव योग शुक्र से बनता है वो जल के लिए बना हुआ है, हंस योग का जो स्वामी गुरु वो भी भू तत्व का प्लैनेट है। ये कुछ यहाँ पे जो इस साइड में लिखा हुआ है ये सब उनकी उच्च राशि है, जो यहाँ से मैंने नोटेड डाउन करके लिखी हुई है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो फिर से एक बार, ग्रह केंद्र में हो यानी 1, 4, 7, 10 यानी ये सेंटर के इसमें हो, कोनों का कोई मतलब नहीं। ये 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह स्वराशि या उसकी उच्च राशि में हो तो आपके इसमें वो पंचम महापुरुषों में से एक योग है। थैंक यू वेरी मच। चैप्टर 4 हम लोग यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग उमादेवी बिजनेस कंसल्टेंसी। जय हिंद, जय भारत।